गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज फिर है दावत, दावत की क्या बोलते छड़ी लगी हुई है। सो आज सुबह हम लोग उठ गए हैं फिर से दावत के लिए, रेडी होना फिर से जाना। आज हमारा खाला के यहाँ दावत है, भाई भाभी के। एक्चुअली नई नई शादी होती दावत तो मिलती है और फैमिली से मिल रही है तो हम लोग को भी मिल रही है, सो हम लोग की भी चलती है। सो मैं तो जा रही हूँ रेडी होने। मौसी क्या कर रही है? चलती जानते हैं, जो हम लोग के जैसे होंगे वो समझते चलती है। मौसी क्या कर रही है? मौसी शूज धोए हैं मैंने, शूज धोए हैं, जा रही है छत पे डालने के लिए। जल्दी जल्दी काम करो। सो मुझे भी काम है, मैं भी पहले काम करूँगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे रेडी हुई। सो मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय। और आज है भाई का बर्थडे भी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा छोटा सा सेलिब्रेशन भी प्लान किया। देखते हैं पहले दावत से आ जाएँ, उसके बाद फिर बर्थडे की सेलिब्रेशन भी करेंगे। भाई तो वैसे मनाते नहीं है, वहाँ से आए झाड़ू दे रहे थे ना, तो बर्थडे तो मनाते नहीं है भाई। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा है कि शादी के बाद पहली बार भाभी है तो छोटा सा सेलिब्रेशन तो बनता है। सो सरप्राइज भी है, वैसे सरप्राइज कह रहेगा भाई, आ ही जाएंगे हमको ऐसा लगता है। ठीक है प्लानिंग चलते ही है, छोटा सा ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं। और नौसी अपना यहाँ पे कपड़ा डिसाइड करेगी क्या पहन के जाना है। वो डिसाइड बहुत ही कंफ्यूज लड़की, कल से सोच रही कि क्या पहनना है, कुछ इसका डिसाइड ही नहीं हो पाता है। कल सोच चुका था डिसाइड, कल रात में डिसाइड कर चुकी थी, लेकिन फिर सुबह होते के साथ देखिए चेंज हो गया इसका। अच्छा ठीक है, सो डिसाइड करो जल्दी जल्दी यार, जाना भी है, टाइम भी देखो 11 बज रहा है। आपको क्या कहना, क्या हो पाएगी सरप्राइज रह पाएंगे? इसको तो यही दुख है बस, पिंपल्स। अरे हमको भी होता है, हमें तो टेंशन नहीं लेते, तुम बहुत लेती हो, इससे तुमको इतना लगता है। ठीक लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है, कॉल करके पूछेंगे, ये भी ज़रूरी है। हम लोग भी, मैं भी पूछूंगी एक बार, पूछेंगे कि कौन सा पहने सही है कि नहीं। मेरा तो डिसाइड है, लेकिन आपसे एक बार कंफर्मेशन ले लेंगे उसके बाद। उसको बहुत टेंशन, इसको टेंशन लेने दीजिए, मैं फिर जाती हूँ अपना काम करने। सो आज मैं छत पे जा रही हूँ, आज धूप काफ़ी अच्छी निकली है। धूप हो तो प्रॉब्लम, धूप ना हो तो प्रॉब्लम। और मम्मी देखिए फ्रेश हो गई है, फ्रेश हो गई मम्मी, तो बहुत खुश है आज बहन के यहाँ जा रही हैं। सो देखिए मिट्टू को भी, मिट्टू धूप खा रहे हो? मिट्टू को काफ़ी ठंडी लगती है। हाँ जा रहे अभी जस्ट तो काम फिनिश किया ना। हाँ हो गया, सब हो गया। मिट्टू बोलो हाय गाइस। देखिए कैसे देख रहा है, ऐसा करके देखता, तिरछा करके देखता, तिरछी नजर वाले। ये जो मिट्टू है ना बहुत परेशान करता है, सुबह में 7 बजे से परेशान करता है। नौसी मिट्टू कटोरे नीता सबका नाम ले लेके परेशान करता, सोने नहीं देता, हम लोग के रूम में ही रहता है। ठंड की वजह से रूम में रखा है तो परेशान करके रख दिया है तुमने, परेशान करके। देखो प्यार कर रहे मिट्टू, प्यार कर रहे बेटा। आई गंदी लड़की, आई गंदी, तेरे तो भूख लग रही है, खाना तो दिया है, खाओ। प्यार कर रहे मिट्टू, प्यार। डर भी लगता है, डर भी लगता है कि काट ना ले, तो काटता नहीं है। देखो तुम्हारा ब्लॉग बना रहे, बोल दो हाय गाइस। काटना नहीं मिट्टू, काटना नहीं। ओके बोलो नीदा नहीं बोलना है। मिट्टू का नया घर आया, मिट्टू काफी खुश है अपने न्यू हाउस में। हाँ ऐसे से हर तरह से देखो तुम, ऐसे करके नो मिट्टू, गंदी बात, काटना नहीं। Don't meet too. Bye bye. जा रहे मम्मी डांटेंगी फिर। Bye bye मिट्टू।
डांट रहे हैं कि अभी तक रेडी नहीं हुई है, 11 बज चुका है। वैसे हम लोग लेट ही जाते हैं हमेशा, हम लोगों को लेट ही हो जाता है हमेशा जाने में। सो मैं जाती हूँ रेडी होने। बाय बाय गाइस। मिट्टू देख रहा है मुझे। सो गाइस मैंने निकाली 5 साल पुरानी ये सूट। 5 साल कम बोल दिया कि ज़्यादा बोल दिया? 5 साल पुरानी सूट निकाली है जो कि अभी भी चकाचक नहीं है, ठंड की वजह से है, तो मैंने इसमें आयरन वायरन कर दिया है। सो देखते हैं ये मुझे फिट आती है कि नहीं, ये इतनी मेहनत जो मैंने की है आयरन करके, तो सफल हो पाती हूँ कि नहीं। नहीं मैं पहले आयरन, मैंने पहले आयरन कर लिया, क्या है कि अगर फिट होगी तो फिर मैं उतार के करने वाली नहीं थी इसीलिए। सो देखते हैं कि ये फिट हो पाता है कि नहीं। सो गाइस ये मुझे 5 साल पुरानी भी फिट आ चुकी है, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मैं वैसे ही हूँ 5 साल पहले, लेकिन हाँ थोड़ी सी फिट है, थोड़ी सी फिट है, बट मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये फिट हुई है। नहीं मज़ा है, पुरानी सूट अगर फिट हो जाए तो मज़ा ही मज़ा है। सो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही हूँ। सो मैं आपसे रेडी होकर मिलती हूँ। सो गाइस नौसी मेकअप कर रही है। As usual मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे लाइनर लगाना, तो मैं अपना रिवाज पूरा कर रही हूँ। नौसी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे लाइनर लगा दे, लगा दो ना लाइनर प्लीज। रिक्वेस्ट की नहीं है। यस सब रेडी हो चुका है, मेरा सिर्फ लाइनर बचा हुआ है। यस सो ये मैंने मेकअप ना खुद से किया है। बाय मी मेकअप, बाय मी तो ये हमारा पिटारा है, बड़ा पिटारा है, बड़ा पिटारा है। हाँ ये पिटारा ही हम लोगों का। नहीं नौ से क्या ढूंढने की कोशिश हो रख रही है, सेटल कर रही है। ओह माय गॉड जल्दी करो, मुझे लाइनर लगाना है, जल्दी लगा दो। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सो मैंने मेकअप कैसा किया आप जरूर बताएं। अभी मेरा हेयर बाकी है तो हेयर मैं करूँगी लास्ट में, पहले मेकअप कंप्लीट कर लिया जाए। मुझे मेकअप वैसे करने आते नहीं है, लेकिन मैंने ये खुद से बहुत दिनों में सीखा है, बस चलो। इतना आया है चल ठीक है, दावत में जा रहा हूँ, शादी में नहीं। ओके तो ये है मेरी मेकअप आर्टिस्ट फिर से आ गई है, आपको दिखा देते हैं। चलो हाँ आईलाइनर लेके एज यूजुअल पतला। देख लो तुम, ठीक है ठीक है, लग गया इसमें लैशेस में। नहीं कुछ हुआ, लैशेस चला गया तो वहाँ पे तो उसको हटाएं। मैं लाइनर के मामले में परफेक्शन चाहती हूँ। इतना फंबल क्यों पता नहीं। इसका बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी वजह से इसको हमको मोटा करना पड़ा। चल बहुत घुमा दी, इधर 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 इधर, इसमें लैशेस में लगा हुआ है, पूरा ऊपर में लग जाएगा। आपको थोड़ी और ट्रेनर से ट्रेनिंग चाहिए मुझे, आप एक बार में एक स्ट्रोक लगा सके। ट्रेनिंग
गई मैं लाइन लगा के आर्टिस्ट ये तुमको आपको सेलिब्रिटी को तो लगा नहीं आपको चाहिए बाबू मुझे नहीं कि आप मेरे में ही एक बार भी लगा सके हो गया सो गाइस मेरी लाइनर भी कंप्लीट हो गई देखो कैसी लगी बताइएगा जरूर ओके मेरे हाथों में भी मेकअप है बेस में भी मेकअप नहीं कटेगा देखिए नहीं कटेगा सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ मैं फटाफट अपना हेयर कर लेती हूँ हमेशा मम्मी भी रेडी हो गए मेरी मम्मी भी बेचारी मौसी मेकअप कर दो मम्मी का खुद से सो गाइस नौसी की स्पेशल रिक्वेस्ट थी आजकल नौसी की रिक्वेस्ट बढ़ती जा रही है कि बिंदी लगाते हुए ब्लॉग बनाओ संस्कारी जी बहुत ज्यादा संस्कारी लग रही है लगा करके और मैं विदाउट बिंदी संस्कारी नहीं लग रही है दिख रही है आइस सो गाइस नौसी रेडी हो चुकी है ये नौसी का लुक शूज चेंज कर लोगी एकदम ही सूट नहीं कर रहा क्या शूज और क्या और मम्मी अभी भी लिपस्टिक लगाते हुए मम्मी मुझे बोलेगी मेरा मेकअप करते हुए वीडियो ले और मैं भी अपना दिखा देती हूँ नौसी मेरा दिखा दो ये शूज तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे तुम्हारे ऐसे भी ठीक लग रहा है थोड़ा सा मेसी टाइप ये क्लेचर का ये मेरा है आजकल पांच साल पुराना कपड़ा गौर से देखिए इस लड़की को पांच साल से इस कपड़े को रखी हुई है नहीं खुशी है खुशी पांच साल पुराने कपड़े में भी मैं फिट आ गई हाँ एक्चुअली हम लोग का कपड़ा न्यू रह जाता है क्योंकि नए कपड़े आते रहते हैं तो पुराने वाले पीछे ही रखा मतलब रखा ही जाता है कुछ कुछ वैसे इसको पहना है फ्राइडे के दिन हम पहन लेते थे एक दो बार भी पहना तो एक बार अम्मी वाली रहने दे कहीं जाने के लिए पहनेगी जाने के लिए रख दे ये ज्यादा हो गया ब्लॉगर की ब्लॉग ए मेरे लिए चूड़ी निकाला थोड़ा सा सिल्वर वाला खाली हाथ लग रहा मेरे हाथों में ना तो चूड़ियां है ही नहीं है तुम चूड़ियां मत पहनो वॉच पहनो मुझे सिर्फ सिल्वर चूड़ी दे याद आया देख लो मम्मी का काम देख लो क्या किया मम्मी एज यूजुअल क्लेचर ले ली ऐसे ऐसे बोलते बोलते बाल से निकल गया हद है लेकिन कौन सा चूड़ी दे मैं भी ब्लॉगर बन सकती हूँ मैं तो बोल रही हूँ तुम करोगी मैं जल परी लग रही हूँ देखो कर लो तो मेरा तो ब्लॉग तुम ही करती हो जो सच है वो सच है हाँ बहुत लोग बोलते हैं कि आपका व्लॉग का चैनल है कैमरा कैमरा का नहीं मिरर देख लेते हैं सब लोग को लगता है कि ये मेरा चैनल है उनको करेक्ट कर देती हूँ मेरा है सिस का चैनल आपको पता है कि मैं एक इंट्रोवर्ट लड़की हूँ मैं बहुत शर्मीली हूँ मैं बहुत संस्कारी हूँ लेकिन मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है चैलेंजिंग काम मैंने स्टार्ट किया हाँ कभी कभी मैं लेजी हो जाती कभी कभी डाल देती जी मम्मी भी रेडी हो चुकी है हम लोग जाने वाले हैं मम्मी रेडी हो चुकी हैं मौसी गई ऊपर मिट्टू को लाने उसके बाद हम लोग जाएंगे निकलने चले खुश बहन से मिलने के लिए मम्मी तो आज सुबह से चलना है उठ जाओ 8 बजे से जाना नहीं है उठ जाओ सो गए जाते जाते भी इनका मेकअप हो ही रहा है क्या कर सकते हैं लड़की है ना तुम हो असल लड़की गर्लिश तुम असल गर्लिश हो मैं हूँ एक बार सीधे शादी कर लेती हूँ हो जाता मेरा इनका चलता ही रहता रह के चलता ही रहता वाइट लाइनर लग रही है ब्लैक के ऊपर कुछ दिख रहा है ब्लू के ऊपर वाइट है ये सही लग रहा है मैचिंग जैसा बहुत मैच कर रहा बहुत मैच कर रहा पक्का ना जी हाँ हल्का ही लगाएगा सो
फोकस आके नहीं जा रहा है भाई का बर्थडे, तो प्रिपरेशन करोगे ना? हाँ करके रखना, थोड़ा बहुत बचा के रखना, शायद हम लोग कर लें। भाभी बोली, भाभी बोल रही थी कि आंटी करे साथ में, मतलब थोड़ा सा करके रखना। अरे हाई फाई तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, अब तुम सो रहे थे बिस्तर पे। तो वैसे हम लोग अभी जाने वाले नहीं, 2 बजे से पहले सब रेडी होके देखिए बैठे हैं घर में। कॉल पे कॉल आ रहा है आंटी का, कब आ रही हो? मैं वेट कर रही हूँ, नौसी को कुछ काम आ गया उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। सो गाइस वी आर रेडी टू गो। एज यूजुअल हम लोग का लेट में लाइट जलता है। हम लोग निकल रहे हैं पहुंच के, देखते हैं ब्लॉग बनेगा तो ठीक है, नहीं तो यूजुअल वी आर वेटिंग फॉर टोटो बिकॉज वी डोंट हैव कार। अगर हम लोग पहुँच चुके हैं सामने हैं तो अस्सलामु अलैकुम, व्लॉग तो बनता है। वालेकुम अस्सलाम, आपको बर्थडे मुबारक। खुद का बर्थडे, भाई भी पहली बार एक्साइटमेंट दिखा रहे अपने बर्थडे का भाभी के आने से। लेकिन एक्साइटमेंट दिख रहा, याद नहीं था लेकिन अभी एक्साइटमेंट है कि मेरा बर्थडे है। कितना गाइस हम लोग पहुंच गए, किसकी शादी में हो गया था ना, इसलिए क्योंकि 12 साल हुआ बापा बालिका वधु, 25 साल की लड़की। ऐसे थी, ऐसे मतलब पतली। थैंक यू, पेट बोल रहा कुछ डालो, पानी ही डाल लेते हैं। किया था ना मतलब लाइफ एंजॉय आप ही किए मम्मी की और दादी की कहानी से। नौशी अपने में बेहाल है, नौशी अपने आप को फ्लॉन्ट कर रही है, तुम्हारी चीज फ्लॉन्ट कर रही हो, बिंदी फ्लॉन्ट कर रही हो, काजल फ्लॉन्ट कर रही हो। ये हमारे बड़े मामा है, अनिल लोग का डिस्कशन चला पॉलिटिक्स पे। अभी 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 चर्चे ही में इतना नहीं दिखा।
सो गाइस यहाँ पे गॉसिप चल रहा है, चार औरतें मिली हैं। ब्लॉगर बोली मैं औरत नहीं हूँ, तो यहाँ दो भाई लोग बैठे मिठू हमारे यहाँ जैसे मिठू, यहाँ भी मिठू है। मिठू बोलो, नहीं देखो बीमार लड़की शर्मा। अच्छा शादी में तो ठीक आ रही थी व्लॉग में, है मेकअप था इसीलिए। चलो चलो देखो। अच्छा इसमें मिरर, इसमें लाइट में, लाइट में अच्छा आ रहा है ना, दिखा ना। उठाने के लिए सुबह तो इतना धीरे धीरे, मैं भी अपना डाली देती हूँ। वैसे तो ब्लॉगर वहाँ बैठी हुई है, कभी कभी मैं भी ब्लॉग कर लेती हूँ। वैसे भी काफी कुछ मेरे भी फैन हो ही गए हैं। अच्छा अच्छा ना 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 भाई, ये वाला ये सही है, देख देखना देख देखना। सो गाइस ये ननद भाभी में प्लानिंग हो रही है, सॉरी भाभी नहीं, नौसी प्लान में शामिल कर रही है भाभी को अमृत चुराने के लिए। देखिए नहीं सुनेगी, इतना स्लो है, नौसी का नियत बदल रहा है। पेड़ वाला अमृत तोड़ के पता नहीं, वो अलग तरीके का एक्साइटमेंट हो जाता है। वैसे तो पापा लाते ही नहीं जी, नहीं यार जाना। नौसी का अभी भी दिल तो बच्चा है जी, मेरा सरारा में नहीं जा सकेंगे, तो मैं भी नहीं जा पाऊंगी। नहीं हम नहीं करेंगे, ये गुनाह है अजीम है, चोरी करके नहीं पचेगा। देखिए गई है भाई को कन्विंस करने तोड़ने के लिए, कोई नहीं मानेगा। और मम्मी बात कर रही है शायद परी से, मैना से मम्मी बात कर रही है। हम लोग आए छत पे धूप खाने, सूप भी बहुत अच्छी निकली है। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं घर, सब लोग रेडी हो चुके हैं बांध के। सो मैं कैसी लग रही हूँ जरूर आप कमेंट जरूर कीजिए। सो भाभी नहीं जाती है, भाभी ने मुझे हिजाब किया, अब मैं लग रही हूँ संस्कारी लड़की। सो गाइस हम लोग घर जा रहे हैं, ठीक है बाय बाय मम्मी। मम्मी रह रही यही, मम्मी को दिल आ गया अपने बहन के साथ, अब बोले जाओ जी लो जिंदगी। जाओ जी लो जिंदगी, अल्लाह हाफिज, आइएगा दावत देकर जा रहे हैं, ठीक है आइएगा। मम्मी लोग कहाँ रह गई? बाय 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 बाय, ठीक है ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दादी, बाय बाय। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, उसके बाद अब हम लोग प्लान कर रहे हैं भाई के रूम को डेकोरेट करना है हल्का फुल्का। सो भाई तो ऊपर अपने रूम में है अभी, सो उन्हें हम लोग उनको सरप्राइज भी करना है, तो सरप्राइज के लिए भाई को नीचे आना पड़े, तो हम लोग थोड़ा सा उसमें प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है कि कैसे नीचे लाया जाए, फिर हम लोग कैसे जल्दी जल्दी रूम डेकोरेट करें। सो देखते हैं, जा रहे हैं अभी जाकर बात करेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं, सब कुछ रेडी है, बस डेकोरेट करना है, जिस रूम को सजाना उस रूम में शिफ्ट करना और असेंबल करना है। आरे नीचे कैनोपी के लिए ट्राई किया जा रहा है हम लोगों का, ये प्लान था कि कैनोपी एक रोमांटिक सब बनाया जाए, लेकिन देखते हैं हम लोग से हो पाता है कि नहीं। ट्राई कर रहे देखते हैं हम लोग इसमें सफल हो पाते हैं कि नहीं।
सो गाइस डेकोरेशन हो गई, मैं आपको थोड़ा क्या बोलते हैं क्लोज व्यू दिखाती हूं, हां फाइनल व्यू और क्लोज से दिखा देती हूं। तो गाइस लास्ट मोमेंट पे ये रह गया था, तो ये हम लोगों ने ये भी लगाने का सोचा है। अकेला आ गया है लास्ट मोमेंट में, देखिए फाइनल टच देने के लिए। काफी खूबसूरत डेकोरेशन हुआ है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है मेरे लिए भी कोई कर दे। सो रोमांटिक, सो रोमांटिक। सो गाइस ये हमारी डेकोरेशन थी, सो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे ये प्लान किया है, सो अभी भाई गए हैं बाहर, तो भाई आएंगे तो ये सरप्राइज है उनके लिए, तो उनका कैसा रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन रिकॉर्ड करना जरूर, ठीक है। आदमी दूसरे का रिएक्शन देखने के चक्कर में भूल जाता है, रिएक्शन ही हम लोग लेना भूल जाते हैं। मैंने रिएक्शन देखते भाई का कैसा निकलता है, जब तक हम लोग टचअप कर लेते हैं। केक और ये है डेकोरेशन, और रोमांटिक। और हम लोग यहाँ मुंह छिपाते हुए, गाइस भाई को थोड़ा हल्का फुल्का अंदाजा हो चुका है कि कुछ तो प्लान हो रहा है, बट फुल नहीं पता है कि क्या हुआ है आखिर, फिर देखा जाएगा उनका रिएक्शन। भाभी गए उनको नीचे लाने के लिए। हाँ भाई बाहर खड़े और नौसी यहाँ पे कैंडल जला रही, फिर से कोई और दूसरा आदमी भी जला देगा। भाई खड़े हैं बाहर, बलून फट जाता अभी, लाइट्स ऑफ कर दो। 1 2 3 1 2 3 लाइट ऑन कर दो अब। कैसा लगा सरप्राइज हुए कि नहीं? स्पीचलेस हो गए। Happy birthday to you. ये आप इंतजाम करवाएं क्या वहां से बैठे बैठे? यहाँ पे सब लोग मिल गए हम लोग के। थैंक यू सो मच। मेरा भी नहीं, कैसा लगा? नौशी आ गई, हम तो जोर से गाना गाए। सो जल्दी आओ, अरे कैंडल जला हुआ है। एक फोटो चलिए चलिए ऊपर जाके बैठ जाइए, पहले सिंगल एक ले लो उसके बाद। इसीलिए इतने टाइम से मेरे को चाहिए ना, मेरा पैकिंग बैठ के जा रहा है। एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए, बलून साइड करके बैठ जाइए। बहुत मेहनत है, आप पैडिंग कर रहे थे आधे की में, 2-3 दिन की मेहनत है ये। तो ये लोग 2-3 हाँ जाएंगी, भाभी भी जाएंगी, पहले एक सिंगल इनका बैठ के हो जाए फिर। हाय सोना, सोना को नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। हाय सोना, क्लैप पहले कर रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। मजा आ रहा सबके वादे काट के रुक देते, अल्लाह ही क्या हाल हो गया इसका।
चलो चलो नौशिक अच्छा वीडियो में भी थोड़ा भाभी को देख वैसे ऐसे तेरे पे ताली बजाने लगे बच्चे के उम्रंग में हाँ देखो लो अच्छा आवाज है सब लोग बारी बारी और कोई अब खा लीजिए आप केक का क्या हालत हुआ बैंगन के चक्कर में देखिए कैंडल फिगर के अंदर चला गया केक के कोई बात नहीं चलता है इतना पिज्जा पे मत बैठ जाओगे कट गया So guys, हम लोगों ने पिज्जा का इंतजाम किया पापा कहाँ सुना पापा कहाँ परी हो गया बस मुझे देखा नहीं जा रहा बस 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 भाप बेटी का प्यार मुझे देखा नहीं जा रहा मामा मामा हो रहा अभी मेरी क्रिसमस थोड़ा सा बोलिए तारीफ कीजिए स्पीच माइक कहाँ है इसने कराया ये सब आप लोगों ने मिलकर के करा ना जी सब ने बहुत प्यारा है लेकिन सच में भाभी आदिल का एक थोड़ा सा आपको हो गया था क्या थोड़ा बहुत भी भाई आपको थोड़ा बहुत लगा कि कुछ हो रहा है हो गया था आने के बाद ना उससे पहले तो नहीं हुआ होगा पिज्जा फ्रेंड पिज्जा खा लो सो गाइस बहुत अच्छा रिएक्शन था बहुत मजा आया बहुत अच्छा और अब बारी है खाने की सो नौसी गई है नीचे से देखते खाने में क्या क्या है इंतजाम तो आइसक्रीम भी आ चुकी है नौसी केक कर रही है और यहाँ पे पिज्जा है और हम लोगों की पार्टी चल रही है पार्टी चल रही है और वहाँ पे फोटोशूट चल रहा है यम यम 1 2 3 4 5 6 7 जल्दी करो पिज्जा ठंडा हो जाएगा मौसी अपना काम संभालते हुए थैंक यू यस तो एक हैंड में फोन ना है ठीक है रुको बड़ा सुनसान नहीं हो गया पार्टी गाना बजना चाहिए था पार्टी का मम्मी खाने पीने हैप्पी बर्थडे क्या जरूरत थी वाओ चल मत लीजिए स्प्रे वापस ले लेते ले लो अब लेकर आया थी वो इसको हटा दे तो हटा दो इसे रखिए खोलिए बहुत प्यारा लग रहा है व्यू यस सो गाइस सेलिब्रेशन हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों ने खूब मज़े किए और भाई भी बहुत शॉक हो गए थे बहुत ही अच्छे सरप्राइज हुए और हाँ एक कल भी हम लोगों की दावत है नानी एडवांस में दावत दावत मिल चुकी है तो कल भी मज़े आएंगे हम लोग के तो दावत ही दावत चल रही है आज ही हम लोगों को दावत मिल गया था लेकिन आपको आना पड़ा यस सरप्राइज था तो वो तो मिस करने कैसा लगा आपको हमारे भाई का बर्थडे सरप्राइज हाँ सरप्राइज वाला सेलिब्रेशन जरूर बताना कमेंट जरूर करें सो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है ना बेल ऑन करना है हाँ
नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है। सो इसके साथ बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।